हाय दोस्तों, जितने लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि भाई एएसएन मूवी यानी एडवेंचर ऑफ श्रीमान नारायण हिंदी में कब रिलीज होगी, ये इससे पहले रिलीज होने वाली थी 17 जनवरी की, जो कि अचानक से पोस्टपोन हो गई। पोस्टपोन होने के लिए काफी लोग वजह बता रहे कि इनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, या तो फिर शायद इनकी हिंदी में जो डबिंग थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। कुछ लोग का ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों ने अभी तक हिंदी में जो प्रमोशन करने थे वो प्रमोशन अभी तक इन लोगों ने बराबर से स्टार्ट किए ही नहीं है। कि इसकी रिलीज होने की काफी अलग अलग वजह, तो भाई मैं इनको पर्टिकुलर आपको एक वजह नहीं बता सकता। हाँ, मैं मेकर से एक शिकायत मेरी ये है कि भाई आप लोग हिंदी का प्रमोशन अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, और एटलीस्ट इसका सेकंड ट्रेलर लाओ, हिंदी ट्रेलर, ताकि लोगों को पता चले कि ये हिंदी में रिलीज कब होने वाली है, और जो लोग भूल चुके हैं उस लोगों को याद दिलाने के लिए एक सेकंड ट्रेलर तो इसका बनता ही है हिंदी ऑडियंस के लिए। और जहां तक मेरी अपनी सोच बताए तो ये मूवी लगता है फरवरी या मार्च में ही रिलीज होगी अब, क्योंकि ये मूवी जब हिंदी का ट्रेलर, इसका सेकंड ट्रेलर आएगा, या तो फिर ये लोग अनाउंसमेंट करेंगे तो अचानक से ये रिलीज होगी, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट आज की तारीख में कम से कम 2 से 3 हफ्ता चाहिए एएसएन के हिंदी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हिंदी के लिए आप एक हफ्ता प्रमोट करोगे तो फिल्म नहीं चल पाएगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि रजनीकांत की दरबार मूवी तो 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, आप यकीन नहीं मानोगे हिंदी ऑडियंस ने उस मूवी को देखा ही नहीं। मतलब हिंदी कलेक्शन, अगर आप दरबार मूवी, रजनीकांत इतने बड़े स्टार है, उनकी मूवी का आप कलेक्शन देखोगे तो बहुत कम आया हिंदी का। तो इसलिए मैं एएसएन की टीम को बोलूंगा कि अगर हिंदी में आप रिलीज कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते आपको प्रमोट करना ही पड़ेगा हिंदी में, तब जाके अगर आप यहाँ पे रिलीज करोगे तो ही चलेगी, वरना बहुत डाउट है। क्योंकि हिंदी ऑडियंस को मालूम है, लेकिन वो हिंदी ऑडियंस क्या होता है कि बहुत सारी फिल्में आती है तो लोग भूल जाते हैं, और जबकि इसका ट्रेलर नहीं आ रहा ना, आपको हिंदी में इसको एक भी गाने सुनने को नहीं मिल रहे एएसएन के, तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी जो मार्केट में जा रही है, उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए मैं मेकर से इतना ही बोलूंगा कि इसका जल्द से जल्द हो सके तो दूसरा एक ट्रेलर लेके आओ हिंदी का, और प्लस इसकी जो रिलीज डेट है उसका भी अनाउंसमेंट करो। उसके अलावा जितने भी बॉलीवुड में जितने भी रियलिटी शोज है तो उसमें एएसएन की टीम को जाना ही होगा प्रमोट करने के लिए, वरना यहाँ पर एएसएन की सक्सेस होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, और जितनी भी होगी वो सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से होगी। मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं एएसएन की टीम से भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसका सेकंड ट्रेलर लाओ और उसकी रिलीज डेट जल्दी से जल्दी पता चले कि भाई फरवरी में रिलीज हो रही, तो हॉलीडे के दिन हो रही है या वही नॉर्मल कोई फ्राइडे के दिन हो रही है, सब कुछ जल्द से जल्द हो सके तो जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द ये सब चीजें आप मंगता तो ट्विटर पे बता दो, ताकि वहां से मैं अपडेट लेकर मेरे जितने भी व्यूअर्स जो हमारे इस चैनल से जुड़े स्पेशली एएसएन के बारे में जानने के लिए, उन तक मैं ये न्यूज पहुंचा सकूं। तो भाई बस इस वीडियो में इतना है, अगर आपको कुछ एएसएन के बारे में अपडेट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बस मैं आपसे इतना कहूंगा एएसएन जैसी जबरदस्त मूवी को हमारा चैनल अरहान एंटरटेनमेंट हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूं राक्षक, बाय।